Hello everyone, this is Dr. Shahwiz Kazmi. I welcome you all to my homeopathic YouTube channel. Before starting a video, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ जो मेरे चैनल पे अभी न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। तो हमने अपनी पहली वीडियो में जो हमारी इम्यूनिटी पर थी, उसमें हम लोगों ने कुछ मदर टिंचर्स और कुछ डाइल्यूशंस पर बात की थी। तो आज का जो हमारा वीडियो है, उसमें हम लोग कुछ कॉम्बिनेशंस पे बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रोल होम्योपैथिक में इम्यूनिटी पर करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इम्यूनिटी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इम्यूनिटी जो है वो हमारे सैनिक की जो एक क्षमता होती है, डिजीज से किसी चीज़ से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। और जब यही इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो हम लोग डिजीज से बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, मतलब हम बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। तो इसलिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी जिनका रेगुलर यूज़ हम कुछ दिन तक करेंगे तो उनसे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए आइए बात करते हैं अपने इस कॉम्बिनेशन के बारे में। इस कॉम्बिनेशन में हम 5 मेडिसिन यूज़ करेंगे। अश्वगंधा, अवीना, डेमियाना, इन तीनों की आपको एक ही डोज रखनी है। मतलब जिस क्वांटिटी में आप अवीना लेंगे उसी क्वांटिटी में आपको डेमियाना भी लेना है, उसी क्वांटिटी में आपको अश्वगंधा भी लेना है। मान लीजिए जैसे आपने 1 आउंस, जैसे कि मेरे पास 1 आउंस है, इस 1 आउंस में आपने अश्वगंधा लिया तो इसी 1 आउंस में आपको अवीना भी लेना है, इसी 1 आउंस में आपको डेमियाना भी लेना है। इतना लेने के बाद आपको फिर जो 2 और हैं उनको आपको इसकी जस्ट हाफ लेनी है, इन तीनों मेडिसिन की जस्ट हाफ। तो 2 आपकी मेडिसिन है वो है इसेकॉस और स्टेफिसिगेरिया, इसको आपको इन दोनों को हाफ हाफ आउंस लेना है। और फिर इन सबको मिला करके रख लीजिए, एक फॉइल में रख लीजिए, बड़ी एक फॉइल इस तरह की, अगर आपके पास कोई फॉइल हो तो उस फॉइल में आप रख लीजिए। उसके बाद इसी से इसकी 16-16 ड्रॉप्स आप आधे कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए। इसकी जो डोज है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे ले दूंगा, आप लोग उससे देख के समझ लीजिएगा। और जिन्होंने मेरी अभी तक पहली वीडियो इम्यूनिटी पर नहीं देखी है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जा करके पहले उसको देख लें। और अगर कॉम्बिनेशन यूज़ करना हो तो जो मैंने अभी ये वीडियो बनाई आप उसको भी यूज़ कर लें। दोनों ही बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी इंक्रीज करने पर। तो आई होप अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे कुछ दिन तक तो इससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और फिर कुछ नई डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।